हाँ तो काका जी आपको कहीं लाग रहा था आपने चौमू विधानसभा में? चौमू विधानसभा में कांग्रेस जीत रही है। तो कांग्रेस जीतवाओ कारण? कारण सब जानते हैं, सब कुछ दिया कांग्रेस ने, क्या नहीं दिया कांग्रेस ने, क्यों देंगे दूसरे को लोग वोट, क्या करवा रखा है बीजेपी वालों ने राजस्थान के लिए। तो 5 साल पहले बीजेपी भी तो चाहिए काम तो करवाई ना? बीजेपी अपनी योजनाओं काम करवाई है, बाकी सारे काम कांग्रेस सरकार ने करवाए है। वो तो कोई भी आएगा MLA तो करवाएगा योजनाओं का काम, जो करवाया जो गहलोत साहब ने जो काम करवाया सरकार ने काम करवाया, ऐसा काम किसी ने नहीं करवाया। अब यहाँ जैसे आप काम की बात पूछ रहे हो तो काम तो जैसे मान लो उसका योजनाओं काम था उसने करवाया, बाकी और काम भगवान साहब ने कितना करवाया बताओ आप। तो भगवान साहब तो जीते आपने, जीतना अलग बात है, काम करवाना अलग बात है, जीत हार तो होती रहती है, उससे क्या फर्क पड़ता है जीत हार से। तो अरे फिर कहीं माहौल बन रहे थे भाई, कांग्रेस का बन रहा है, प्योर कांग्रेस आएगी यहाँ से। तो रामलाल जी सर मार चुटन जी यादव उनसे आप उन्हीं से पूछो आप वो क्या है, हमारे से केवल कांग्रेस की बात करो आप। क्यों रामलाल जी भी देख रहेगा 10 साल? हाँ हमारे भी रह गए 10 साल, कैसे नहीं रहे, हमारे भी हैं बराबर कंटिन्यू 30 साल से चल रहे कांग्रेस पार्टी में भगवान साहे जी बताओ। नहीं 10 साल होगा आपने रामलाल जी शर्मा काम कराया कौन करवाया? उन्होंने भी करवाया है काम, वही कराएगा जो पोस्ट पे रहेगा। कौन कहता है कि रामलाल काम नहीं करवाया, करवाया बराबर करवाया, कौन मना कर रहा है? फिर तीसरा नंबर मान लिया जब आपका कारण रही हो। मैं कब कह रहा हूँ तीसरे नंबर पे? भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब से पूछो वो कैसे बता रहे। मैं किसी को नंबर नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चौमू से कांग्रेस जीतेगी और जीतेगी कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी आ रही है? बीजेपी हारेगी, क्यों नहीं हारेगी, हारेगी बीजेपी क्यों? और राजस्थान में? राजस्थान में कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, बीजेपी बीजेपी नहीं आएगी, नहीं आएगी। सबसे बड़ा मुद्दों का इंतजार बीजेपी को, बीजेपी राजस्थान में, चौमू में नहीं राजस्थान, राजस्थान बीजेपी ने क्या कर लिया 5 सालों में? केंद्र में तो कर लिया, केंद्र अलग चीज है, उसके वोट आए तब बात करना केंद्र की। आप यहाँ स्टेट के हैं, स्टेट की बात पूछो आप, तो बताओ। तो बता रहे ना पूरा काम किया है गहलोत सरकार ने, ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा, यानी जैसे वो कह रहे थे ना भाई मैं सब कुछ दूंगा और सब कुछ दे दिया उसने, कोई कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा गहलोत सरकार ने, बिल्कुल। और अभी भी कोई जाके मांग ले अभी फिर दे देगा वो, एक सभा कोई भी होगी उसमें फिर दे देगा वो आदमी, ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। तो 5 साल हम बीजेपी गई बारी थी, आपने 5 साल गहलोत सरकार से भी तो लागू तो कर गई थी ना योजना वगैरह आपने? हाँ तो करते हैं, सब करते हैं, उसमें क्या हो गया, वो भी करते हैं, कोई छोटी योजना देता है कोई बड़ी योजना देता है। वो 5 लाख का बीमा दिया था इन्होंने 25 लाख का दे दिया, जो आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं है 25 लाख का बीमा। तो गहलोत सरकार 2-3 महीना में पहली क्यों योजना लागू कर रहा था? 2-3 महीने से कहाँ की है, अभी 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 कीटना कीट तो लागू कर, वो तो सब करते हैं, तो वो भी करते हैं 2 महीना पहले, बिल्कुल करते हैं, सब करते हैं। तो आचार संहिता की जो किट मिल रही है कौन मिल रही हो? पूरी सुविधा मिल रही है जनता को पूरी, एक की एक बंद को नहीं, कोई बंद नहीं हुई है, योजना पूरी मिल रही है, पूरा लाभ मिल रहा है हर आदमी को, मिल रहा है, मिलता रहेगा। तो ताक अनुसार आपने राजस्थान में और चौमू में कांग्रेस सरकार, बिल्कुल कांग्रेस सरकार रहेगी।